देखिए बच्चों आगे, आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। मैं हाथ पैर मारता हुआ, फ्लेल्ड कहते हैं हाथ पैर मारता हुआ आया एट द सरफेस, सरफेस की तरफ को, ऊपर के हिस्से की तरफ को, ऑफ द वाटर पानी के। स्वालोर्ड पानी निगल चुका था एंड चोक्ड, और गला जो था मेरा चोक हो गया था, अवरुद्ध हो गया था, और मेरा गला अवरुद्ध हो गया था, रुक गया था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स, मैंने अपनी टांगों को लाने की कोशिश की अप ऊपर, बट दे हंग, लेकिन वो लटक गई थी। एज डेड वेट, जैसे कि मृत वजन होता है, जैसे कि मृत वजन होता है, उस तरीके से वो लटक गई थी। पैरालाइज्ड, और वो निर्जीव हो गई थी। एंड रिजिड, और रिजिड कहते हैं जड़वत हो गई थी, जो हिल नहीं सकती थी। ए ग्रेट फोर्स, एक बड़ी ताकत वाज पुलिंग मी, मुझे खींच रही थी अंडर, नीचे की तरफ। एक बड़ी ताकत मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर, लेकिन केवल पानी ही। हियर्ड मी, हियर्ड मीन सुना मी, मुझे, लेकिन केवल पानी ने ही मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड, मैं शुरू कर चुका था। ऑन द लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा को, बैक फिर से। टू द बॉटम ऑफ द पूल, तालाब के तली की तरफ, मैं तालाब की तली की तरफ फिर से एक लंबी जर्नी को शुरू कर चुका था। अब देखे बच्चों आगे, आई स्ट्रक एट द वाटर, आई स्ट्रक कहते हैं मैंने जोर आजमाया एट द वाटर पानी पर, है जैसे ही। आई वेंट डाउन, मैं नीचे की तरफ को गया। एक्सपेंडिंग, खर्च करते हुए, माय स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को, अपनी ताकत को खर्च करते हुए, यानी पूरा जोर आजमाया पानी के ऊपर, ताकत खर्च की। एज जैसे कि, वन इन ए नाइट मेयर फाइट्स, जैसे कि नाइट मेयर कहते हैं जो रात में सपना देखते हैं, फाइट्स लड़ाई का, जैसे कि रात का जो लड़ाई का सपना होता है उसके अंदर। एन इररेसिस्टेबल फोर्स, एक ऐसी शक्ति जिस जो अपराजेय हो, जिसको रोक नहीं सकते, उसके ऊपर मैंने क्या किया, मैं अपनी शक्ति को खर्च कर रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैं अपनी सारी सांसें खो चुका था, यानी मेरी सांसें फूल चुकी थी। माई लंग्स एक्ड, मेरे फेफड़े एक कहते हैं दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रोब्ड, और मेरा जो सर था वो थ्रोब्ड कहते हैं धक धक कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं बेहोश हो रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे। बट लेकिन, आई रिमेम्बर्ड, मैंने याद किया द स्ट्रेटजी, रणनीति को। आई वुड स्प्रिंग, क्या थी रणनीति, कि मैं छलांग लगाऊंगा फ्रॉम द बॉटम, तली से, ऑफ द पूल, तालाब की। एंड कम, और आ जाऊंगा लाइक ए कोर, के कोर की तरह। टू द सरफेस, ऊपर की परत की तरफ। आई वुड लाई फ्लैट, मैं सीधा लेट जाऊंगा ऑन द वाटर, पानी के ऊपर, पानी के ऊपर सीधा लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, स्ट्राइक आउट, और काटूंगा विद माई आर्म्स, अपने हाथों से, और अपने हाथों से, अपनी भुजाओं से पानी को काटूंगा। हैंड थ्रेस विद माई लेग्स, और अपनी टांगे पटकूंगा, मारूंगा टांगे उसके ऊपर। देन आई वुड गेट, और फिर मैं प्राप्त कर लूँगा टू द एज, किनारे को, ऑफ द पूल, तालाब के। एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊँगा। ये रणनीति दिमाग में आ रही थी। अब देखिए आगे, देखिए बच्चों, आई वेंट डाउन, डाउन एंडलेसली, मैं नीचे नीचे, एंडलेसली अनंत तक, अनंत तक मैं नीचे नीचे जाता गया। आई ओपन्ड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग, कुछ भी नहीं, बट वाटर, सिवाय पानी के। विद ए येलो ग्लो, एक पीली सी चमक वाला, पीली सी चमक वाला पानी, उसके सिवा कुछ नहीं था। डार्क वाटर, या अंधकार में पानी। दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, जिसमें कोई भी आदमी, थ्रो कहते हैं आर पार नहीं देख सकता था, जिसमें कोई भी आदमी आर पार नहीं देख सकता था। एंड देन सीर स्टार्क, और फिर, एंड देन, और फिर सीर मात्र स्टार्क, शुद्ध टेरर, भय ने सीज्ड मी, मुझ पर अपना कब्जा कर लिया।
और फिर क्या हुआ? तब मात्र शुद्ध भय ने मुझ पर अपना कब्जा कर लिया, अपना काबू पा लिया। टेरर, ये एक भय था, एक आतंक था, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जो किसी भी अंडरस्टैंडिंग को नहीं जानता था, किसी भी सूझबूझ को नहीं जानता था, कोई सूझबूझ नहीं थी उसके पास। टेरर, यह ऐसा आतंक था, ऐसा डर था, दैट नोज नो कंट्रोल, जो किसी के कंट्रोल में नहीं था, किसी भी नियंत्रण को नहीं जानता था। टेरर एक ऐसा आतंक, एक ऐसा डर, दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, जिसे कोई भी नहीं समझ सकता था, हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस, जिसने तजुर्बा ना किया हो, इट इसका, जिसने इसका तजुर्बा ना किया हो। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं चीख मार रहा था, श्रिंकिंग कहते हैं, चीख मार रहा था अंडर वाटर, पानी के नीचे। आई वॉज पैरालाइज्ड, मैं सुन हो गया था, अंडर वाटर, पानी के नीचे, मैं पानी के नीचे, संज्ञा शून्य हो गया था, सुन हो गया था। स्टिप और कठोर हो गया था, रिजिड, जड़वत हो गया था, बस जड़ गया था वहीं, विद फियर, डर की वजह से, और डर की वजह से वहीं जड़ गया था। इवन द स्क्रीम्स, इवन मीन्स भी, द स्क्रीम्स, चीखे इन माई थ्रोट, मेरे गले से वर फ्रोजन, जम चुकी थी, मेरे गले से निकलने वाली चीखे भी जम चुकी थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सिर की जो ये धड़कन थी। सैड कहा, दैट कि आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अब भी जीवित था, उसी से पता चला कि मैं अब भी जीवित था। एंड देन, और फिर इन द मिडस्ट, बीच में, ऑफ द टेरर, आतंक के, केम आई ए टच ऑफ रीजन, रीजन कहते हैं तर्क, एक तर्क का टच आया, एक समझ की बात आई, फिर दिमाग लगाया लेखक ने अपना। आई मस्ट रिमेंबर, मैंने याद किया, टू जंप, कि भाई जंप लगाना है, व्हेन आई हिट, जब मैं हिट करूँगा द बॉटम, तली को, एट लास्ट, आखिर में, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, द टाइल्स अंडर मी, अपने नीचे टाइल्स को महसूस किया, माई टोज, मेरे अंगूठे, टोज का मतलब अंगूठे या पंजे, रीच्ड आउट पहुँचे, एज इफ, मानो, इट ग्रैब दैम, ये उनको झपट लेंगे, पकड़ लेंगे, आई जंप्ड विद एवरी थिंग आई हैड, मैंने जंप लगाया विद एवरी थिंग, हर तरीके से, हर चीज़ से जो भी मेरे पास थी, यानी अपना पूरा प्रयास किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड, मैंने देखा, फॉर रोप्स, रस्सियों के लिए, मैंने रस्सियों के लिए देखा, लेखक सोच रहा था भाई कोई हेल्प के लिए रस्सी डाल दे, लेडर, सीढ़ियों के लिए देखा, वाटर विंग्स के लिए देखा, नथिंग, कुछ नहीं था बट वाटर, सिवाय पानी के, ए मैस ऑफ येलो वाटर, एक बहुत बड़ी मात्रा पीले पानी की, हेल्ड मी, मुझे पकड़े हुए थी, पीले पानी की एक बहुत बड़ी मात्रा मुझे पकड़े हुए थी, घेर रखा था उसने मुझे। स्टार्क टेरर, स्टार्क कहते हैं शुद्ध टेरर, आतंक ने, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, मेरे ऊपर एक और ज़्यादा पकड़ बना ली थी, लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि बिजली का कोई बड़ा चार्ज हो। आई शुक, मैं हिला, एंड ट्रेम्बल्ड, और कांपा, विद फ्राइट, डर की वजह से, माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे जो भुजाएं थी, हाथ थी, वो हिले तक नहीं, माई लेग्स वुडंट मूव, मेरी टांगे नहीं हिल सकी। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू कॉल, पुकारने के लिए, फॉर हेल्प, मदद, मैंने मदद पुकारने की कोशिश की, टू कॉल फॉर मदर, माँ को बुलाने की कोशिश की, नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आगे देखिएगा। एंड देन, और फिर स्ट्रेंजली, विचित्र बात ये थी, देयर वाज ए लाइट, प्रकाश हो गया था, आई वाज कमिंग आउट, मैं बाहर आ रहा था, ऑफ द ऑफुल येलो फियर, डरावने पीले पानी से मैं बाहर आ रहा था, एट लीस्ट माई आइज वर, और कम से कम मेरी आंखें तो आ ही रही थी,
माई नोज, मेरा नाक वाज था ऑलमोस्ट लगभग आउट बाहर, टू मीन्स भी मेरा नाक भी लगभग बाहर ही था। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, फिर मैंने शुरू कर दिया डाउन, नीचे जाना है थर्ड टाइम, तीसरी बार, और फिर तीसरी बार मैं नीचे की ओर चल पड़ा। आई शक्ड फॉर एयर, मैंने हवा को खींचा, लेकिन हुआ क्या, एंड गोट वाटर, और पानी को प्राप्त कर लिया। ए येलो विश लाइट वाज गोइंग आउट, जो ये पीली रोशनी थी वाज गोइंग आउट, बुझ रही थी, जा रही थी। देन फिर ऑल एफर्ट्स, सारे के सारे प्रयास सीज्ड, थम गए, रुक गए। आई रिलैक्स्ड, मैंने चैन महसूस किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, मेरी टांगें भी सुन हो गई थी। एंड द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और अंधकार जो है मेरे दिमाग पर छा गया था, और अंधकार मेरे दिमाग पर छा गया था। इट वाइप्ड आउट, इसने छुटकारा दिला दिया था फियर, डर से, इसने डर से छुटकारा दिला दिया था। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने आतंक से छुटकारा दिलवा दिया था। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब कोई और ज़्यादा जल्दी नहीं थी, अब कोई घबराहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ नहीं था घबराने के लिए, डरने के लिए। दिस इज़ नाइस, ये बढ़िया है। टू बी ड्रोजी, ये अच्छा था ड्रोजी होने के लिए, स्लीपी होने के लिए, नींद आने के लिए, यानी सो जाना ही बढ़िया था। टू गो स्लीप, सो जाना। नो नीड, अब कोई ज़रूरत नहीं थी। टू जंप, जंप लगाने की। टू टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक गया था। टू जंप, जंप लगाने से मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। इट्स नाइस, ये बढ़िया था। टू बी कैरिड जेंटली, कि आराम से कोई उठा ले। टू बी कैरिड, कोई ले जाए जेंटली, आराम से, कि आराम से कोई उठा ले, अब ये बढ़िया था। टू फ्लोट, तैरने के लिए। अलोंग इन स्पेस, आकाश में तैरने के लिए। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, नाजुक हाथ मेरे चारों तरफ थे। टेंडर आर्म्स, नाजुक हाथ, नाजुक भुजाएं, लाइक मदर, जैसे कि माँ की होती है। नाउ आई मस्ट गो, अब मुझे जाना चाहिए। टू स्लीप, सोने के लिए, अब मुझे सो जाना चाहिए, यानी अब तो सोना ही पड़ेगा भाई। लेखक सोच रहा है बस ये मौत आ चुकी है, आखिरी वक्त है। आई क्रॉस टू ओब्लिविजन, मैंने बेहोशी, यानी मैं भुलावे की ओर बढ़ा, बेहोशी की ओर बढ़ा, उसको क्रॉस कर लिया। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ, और जीवन का पर्दा फैल गिर गया, और जीवन का पर्दा जो था वो गिर गया।